Welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And currently we are doing the series for UGC NET law paper. And if you have seen my previous video, we have already discussed several papers of 2021, 2020, 2019 and 2018. So friends, if you have seen my previous video, we have already discussed the UGC NET November 2017 paper 2. And in today's video, we are going to discuss the UGC NET November 2017 paper 3. देखिए UGC NET ने जो कई बार पैटर्न एंड सिलेबस जो है चेंज किया है, जैसे कि रिसेंटली 2019 में चेंज हुआ था, उससे पहले 2017 में चेंज हुआ था, उससे पहले 2018 में चेंज हुआ था। तो 2018 जुलाई का एग्जाम पेपर जो आया था वो डिफरेंट था, बिकॉज जो पेपर टू था उसमें 100 क्वेश्चन कर दिए गए थे। उससे पहले क्या होता था कि लॉ के ही दो एग्जाम होते थे एंड पेपर वन इज ऑलवेज दैट टीचिंग एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो 2018 से पहले जो भी एग्जाम हुए उसमें लॉ पेपर टू जिसमें कि 50 क्वेश्चन एंड लॉ पेपर थ्री भी होता था जिसमें 75 क्वेश्चन आते थे। तो आज हम दिसंबर 2017 के लॉ पेपर टू को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं या देने वाले हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हम जो है लॉ एग्जाम पेपर सारे डिस्कस कर रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की, मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि देखिए पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हर पेपर जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से रिपीट क्वेश्चंस, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। और मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि ये रिपीट क्वेश्चन आ चुका है, ये इस ईयर में आया है, ये इस ईयर में आया है। तो देर आर ऑलवेज चांसेस कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाए। तो हो सकता है कि इस बार जो आने वाले एग्जाम या फिर जो अदर जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें रिपीट क्वेश्चन आ जाएँ। So friends, don't forget to subscribe, and while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। देखिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 2018 से जो है पैटर्न चेंज कर दिया था और जो सब्जेक्ट का पेपर था वो एक पेपर बना दिया गया था, पेपर टू। उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। लेकिन उससे पहले क्या था कि पेपर टू था और पेपर थ्री भी था, इसमें कि 50 क्वेश्चन पेपर टू में और 75 क्वेश्चन पेपर थ्री में होते थे। तो हमने पेपर टू डिस्कस कर लिया है नवंबर 2017 का, और आज हम पेपर थ्री डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 और मार्क्स कितने हैं 150। ओएमआर शीट भरते थे पहले और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है आंसर द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। Economic justice is the one of the objectives of the Constitution of India. It has been provided in preamble and DPSP. तो आंसर क्या रहेगा? A and C. Two is the answer. Next है two. Arrange the following decided cases in a chronological order and answer. तो ये Union of India versus NS Rathnam, ये केस कब आया था? ये केस आया 2015 में। बसवराज वर्सेज स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, इस आई 2013 में। उषा मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ एपी आंध्र प्रदेश 2012 में। सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्सेज प्लेटिनम एंटरटेनमेंट 2014। तो क्या बन गया, तो पहले आना चाहिए सी, तो सी देखिए एक में ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, वन। कई बार ऐसा होता है ना कि यूजीसी नेट का जब पेपर देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि ये केसेस भी हैं क्योंकि हमने कभी सुने नहीं होते। नेक्स्ट है थ्री, अदर्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 40 स्टेट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उसका रीजन है दिस डायरेक्टिव गिव्स एन अश्योरेंस दैट एवरी विलेज वेयर मैक्सिमम पीपल लिव हैज टू बी मेड एन ऑटोनोमस रिपब्लिक सेल्फ सफिशियंट सेल्फ सस्टेनिंग एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स। तो अदर्शन का रीजन है, देखिए करेक्ट है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वन इज द आंसर। नेक्स्ट है फोर, बताना इसमें करेक्ट, पर्सन इन गवर्नमेंट जुडिशियल सर्विस नीड नॉट टू रिजाइन टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड इन विजय मिश्रा वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ पटना बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन एस काजी वर्सेज मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी दैट ऑल ट्राइब्यूनल्स आर नॉट नेसेसरी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स वेयर लीगैलिटी ऑफ इट्स ऑर्डर चैलेंज्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन कार्डमम मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला दैट सोशल सिक्योरिटी टू द लीगल प्रोफेशन बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स दैट हाई कोर्ट जजेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एयरपोर्ट फिस्किंग, नो
इसमें किया गया था कि दे आर नॉट एग्जम्प्टेड, तो इसका आंसर रहेगा ए बी सी आर करेक्ट, टू इज द आंसर. नेक्स्ट फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 118 क्या कहता है, दिस इज अबाउट रूल्स ऑफ प्रोसीजर. ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट किस में है, 83 में. फिर 119 किस पर है, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट ऑन फाइनेंशियल बिजनेस. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट आर्टिकल कौन सा है, 121. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 भी गलत हो गया. आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, ये करेक्ट है, 3 इसका आंसर रहेगा. जो लिखा हुआ है कोर्ट नॉट टू इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये कहां पर मेंशन किया गया, मेंशन किया गया 122 में. नेक्स्ट है 6, मैच करना है आर्टिकल्स अगेन. 249 क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन अ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, इसका रहेगा 4. 250 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन स्टेट लिस्ट इफ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. फिर 252 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट. 253 क्या बच गया, फिर लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. तो क्या बन गया इसका, 4213, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट है 7, अब बताना करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट. नो दिस इज नॉट करेक्ट, प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी नहीं है, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यस. प्रेसिडेंट बाउंड टू गिव असेंट टू द बिल इफ ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेज एंड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. प्रेसिडेंट मे रिटर्न द बिल टू द हाउसेज फॉर रिकंसिडरेशन, यस. No, this is also wrong. इसका आंसर क्या रहेगा, बी एंड सी आर करेक्ट, टू इज द आंसर. आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 8, अब मैच करना है फिर से. देखिए आर्टिकल 324 के बारे में पूछ लिया है, इलेक्शन से रिलेटेड है जो. ठीक है, तो 1 में क्या लिखा है, पावर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन. 2 क्या है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. 4 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर्स. एंड 5 क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज. इसका आंसर क्या बन गया, 3 1 2 4 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 9, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लीगल डिसिप्लिन एस्पेशली इन लॉ केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 10, अदर्शन है नेचुरल जस्टिस इज जस्टिस ऑफ नेचर वेयर द लॉयन डिवोर्स द लैम्ब एंड टाइगर फीड्स अपॉन द एंटेलोप, व्हिच इज रॉन्ग. द बो स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज तुलसीराम पटेल. नो, इस इज ऑल्सो रॉन्ग, बोथ आर इनकरेक्ट. 4 इज द आंसर. तो जरा बताइए क्या ट्रू स्टेटमेंट है, इसी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए. नेक्स्ट है 11, इन विच द फॉलोइंग केसेज अंडर रिटन कोटेशन इज टेकन फ्रॉम. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी रेड विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, कौन सा केस था ये, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज विजय कुमार त्रिपाठी. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 12, रेस जुडिकाटा केस कौन सा है, दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, को डिफेंडेंट पर है ना ये. लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, मोनेट इस्पात, प्रोमिसरी एस्टोपल, मोतीलाल पद्मनाथ शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लोकस टेंडाई एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्या बन गया इसका, 3421, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड फॉर जुडिशियली अटैकिंग द एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. अल्ट्रा वायरस द लॉ, आर्बिट्रेरीनेस, मैलिफाइड इंटेंट, irrelevant consideration, all are correct. 4 is the answer. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो administrative discretion है उसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं, इन बेसिस पर आप चैलेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट 14, writ of certiorari can be issued to quash action which are administrative in nature. The above principle laid down in AK Kripak versus Union of India. 2 is the answer. और जो इंडियन रेलवे वाला केस वर्सेज अजय कुमार है, ये कब आया था, 2003 में. ए के कृपक आया था 1969 में. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बिशान 1988 में. राजेश कुमार वर्सेस सीआईटी, ये आया था 2006 में. ऑलराइट, नेक्स्ट 15, विच इज द क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल. लोकपाल एक्ट की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन की. वहां पर जुडिशियल मेंबर जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं. तो 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 16, आई थिंक अडेरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन. दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्डोजो. 3 इज द आंसर.
Next 17, which of the following jurist was hostile natural law school? Jeremy Bentham. Jeremy Bentham का स्कूल बताओ जरा, पता है हमें बट वी वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन, बताइए इनका स्कूल बताइए किस किस के थे ये. नेक्स्ट है 18, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म किसका है? बेंथम का. सोशल यूटिलिटेरियन कौन है? आयरिंग. साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कॉम्पटे. सोशल इंजीनियरिंग पाउंड. सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसकी है? पाउंड की, टॉस्को पाउंड. तो आंसर क्या बनेगा इसका? 2. नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लॉ हैज अ बेसिस अंडर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट इज प्रेसिडेंट. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल? तो हिस्टोरिकल स्कूल का कौन नहीं है? एल्रिक. एल्रिक नहीं तो कौन से स्कूल का है ये बताइए जरा कमेंट सेक्शन में जाकर. 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 21, अजेशन है अ लीगल राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. यह दिस इज करेक्ट. एन एलिमेंट ऑफ एडवांटेज इज असेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट राइट. नो. एडवांटेज किस लिए चाहिए? तो ए इज राइट, आर इज रॉन्ग. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 22, मैच करना है फिर से. इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, ये थ्योरी किसने दी थी? ये फुलर ने. मिनिमम कंटेंट ऑफ लॉ, हार्ट. लॉ विद वेरिएबल कंटेंट, स्टेमलर. स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हेनरी मेन. तो क्या बन गया इसका? 3, 4, 2, 1. 2 इज द आंसर. फिर से मैच करना है थ्योरी और सब्जेक्ट को. विल थ्योरी किस पर है? लीगल राइट पर. कंसेशन थ्योरी लीगल पर्सन पर. डिक्लेरेटरी थ्योरी प्रेसिडेंट. कमांड थ्योरी एनालिटिकल स्कूल. तो क्या बन गया इसका? 3-1. तो 3-1 देखिए, दो में है. 4-2. 3-1, 4-2. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 24, द सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज बेस्ड ऑन. नलम क्रिमेन साइने लिग, नलम पियोना सिने लिग. इसका मतलब क्या होता है? ए पर्सन कैन नॉट और शुड नॉट फेस क्रिमिनल पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्ट दैट वॉज क्रिमिनलाइज्ड बाय लॉ. मतलब नो पनिशमेंट विदाउट प्रॉपर लॉ, जब तक वो लॉ इनेक्टेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे हम से 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर IPC. इसको भी जो अमेंडमेंट करके डाला गया ना, उसके क्या उससे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस था? नो. जैसे कि 354ABCD स्टॉकिंग है जैसे, ठीक है, वॉयरिज्म है, क्या ये पहले ऑफेंस थे, पनिशेबल थे? नो, पहले नहीं थे, उनको बाद में डाला गया. तो जब तक कि वो ऑफेंस नहीं है उसके लिए आप पनिश नहीं कर सकते. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट 25, व्हाट इज द बेसिक जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी? इट डज नॉट अलाउ प्रिवेंटिव एक्शन. नो, ये गलत है. इट डिस्पेंसेस द डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी इन अटेम्प्ट. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 26, व्हिच वन ऑफ द एक्सप्रेसिव फैक्टर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन? इट इज कमेंटिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. 3 इज द आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अवेलेबल. तो देखिए क्या कह रहा है कि राइट टू डिफेंस एक्सरसाइज कौन कर रहा है? एक पर्सन कर रहा है. एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने कोई एक्ट किया और एक प्राइवेट पर्सन जो है वो RPD एक्सरसाइज करना चाह रहा है ऑन द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, इज नॉट अवेलेबल. तो ये RPD कब अवेलेबल नहीं होगा? तो देखिए, व्हेन इट इज डिस्चार्ज इन गुड फेथ. जो पब्लिक सर्वेंट ने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया तब वो RPD नहीं मिलेगा. एंड व्हेन इट इज स्ट्रिक्टली टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ तब भी नहीं मिलेगा. ठीक है ना. अभी व्हेन इट इज अटेम्प्टेड टू बी डन बाय हिम या फिर इट वाज डन व्हाइल ही वाज नॉट इन हिज ऑफिस, ये इररेलेवेंट है. तो मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, 1 and 4. तो ऑप्शंस आर नॉट अप्रोप्रिएट. फिर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एसेंशियल फॉर एनहेंस पनिशमेंट टू एन ऑफेंडर विद प्रीवियस कन्विक्शन? तो क्या है? द ऑफेंस मस्ट बी एन ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी और कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प. 3 इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 75, एनहेंस पनिशमेंट के लिए. नेक्स्ट 29, नॉन कम्पोज मेंटिस, मतलब नॉट ऑफ साउंड माइंड. डिनोट्स क्या करता है? व्हेन द कॉग्निटिव फैकल्टीज होना चाहिए, फैसिलिटीज लिखा हुआ है ये. फैकल्टीज आर सच दैट ही डज नॉट नो वट ही हैज डन, मतलब पागलपन. 3 इसका आंसर रहेगा. और सेक्शन कौन सा है? 84,
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज एन जनरल एक्सेप्शन, और केस कौन सा आता है इसमें, मैकनॉटन, ठीक है। नेक्स्ट 30, इन विच द कंडीशन द एक्ट विल नॉट बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, मलीस, मॉरल फोर्स, मिस्टेक, एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो मलीस इज नॉट अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, टू उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिफेमेटरी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन मे बी कन्वेड ऑब्लिक्वली और इनडायरेक्टली और बाय वे ऑफ क्वेश्चन, कंजंक्चर एंड एक्सक्लेमेशन और बाय आयरनी। 3 इज द आंसर। लेकिन पब्लिशर इज रिस्पॉन्सिबल पब्लिशिंग एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। फर्स्ट टाइम ओनली का मतलब क्या है, नो, ओनली एडिटर एंड नॉट द प्रिंटर, पब्लिशर एंड पब्लिशर आर रिस्पॉन्सिबल, नो, पब्लिशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। द कोड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैरेक्टर रेपुटेशन, डिस्टिंग्विश, ये भी हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट 32 assertion है, redemption of damaged environment is a part of the process of sustainable development and as such polluter is liable to pay the cost of the individual sufferer as well as the cost of reversing the damaged ecology, ये करेक्ट है। polluter pay principle is a part of environmental jurisprudence of this country, yes it is also correct। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, both are true and correct explanation। नेक्स्ट है 33, और देखिए ट्रायल स्मेल्टर्स केस, 3 मैं बताऊँ आपको, अगर जुलाई 2018 की वीडियो देख लीजिए, फिर दिसंबर 2018 की देख लीजिए, दोनों बारी पूछा गया, और 2017 में देखे पूछा गया है सेम केस। क्या था ये, यूएस वर्सेस कनाडा, किस पर था ये, ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन पर। तो नो स्टेट हैज राइट टू यूज और परमिट द यूज ऑफ हिज टेरिटरी सो एज टू इंजरी बाय फ्यूम्स इन द टेरिटरी ऑफ अनदर, 2 इज द आंसर। ने 34, अब मैच करना है, अब मैच किया लिस्ट एक और लिस्ट 2 से, नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल, किसके अकॉर्डिंग किया गया इसको, रियो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिक उतरे टू एच एल्यूमिनियम नॉन लीदास, कौन सी डिक्लेरेशन पर है ये, प्रिंसिपल 21 एंड 22 ओ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या होता है, यूज योर प्रॉपर्टी इन अ वे दैट इट शुड नॉट इंजर अनदर पर्सन, ठीक है। To stop and prevent international traffic of dumping and resultant accumulation of toxic and dangerous waste. ये कौन सी convention है, Basel Convention 1989. Convention on Climate Change Strengthened. Obviously Kyoto Protocol. क्या आंसर है इसका, 2, 4, 1, 3, 3 is the answer. Next 35. Which of the following is wrong? Wrong बताना है अब यहाँ पर. Every person enjoys a right to a wholesome environment which is a facet of right to life guaranteed under Article 21 Constitution of India. ये correct है. The power conferred under an environmental statute may be exercised only to advance environmental protection and not for the purpose that it would defeat the object of law. Obviously correct है ये. Financial constraints of the government may be reasonable factor to exonerate the governmental municipal bodies from performing their statutory liability. No, it's wrong. Precautionary principle imposes the onus of proof on the developer to show his or her action in environmentally benign. ये correct है, तो answer क्या रहेगा इसका, 3, which is wrong. Next 36, Supreme Court in which of the following case observed that issue of pollution should not be resolved at the cost of poor people's livelihood. कौन सा case था ये, MC Mehta versus Union of India, कब आया था case ये, 1986 में. ये Indian Council Enviro Legal Action कब आया था ये, 1996 में. म्यूनसिपल काउंसिल रतलाम वर्दीचंद 1980 का केस है ये, टी एन गोदावर्मन 1947 है, इस पर भी अगर आप 2018 की वीडियो देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको ये केस मिल जाएगा। नेक्स्ट 37, अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क शैल बी मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे बाय द बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द स्टेट, स्टेट की पावर दी हुई है नेशनल बाउंड्रीज को एस्टेब्लिश करने की, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रोविजन है ये जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, तो सेक्शन 35 है वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। एंड 4 कहता है कि अगर उसको ऑल्टर करना है तो किसके पास पावर है, नेशनल बोर्ड के पास पावर है, ठीक है ना। तो जब स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेगी, बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट 38, बेजल कन्वेंशन अभी बताया ना कब आई थी, 1989 में, किस पर है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ अजाद फेस्ड, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस डिनाई लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
ये हॉब्स है, हाबेस नहीं है, हॉब्स एंड प्यूफेंडॉर्फ, इन्होंने डिनाई किया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, टू बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 14, द फॉलोइंग केसेस द वर्ल्ड कोर्ट बाय मेजोरिटी हैज टेकन द व्यू दैट द सोर्सेज ऑफ लॉ आर नॉट हायरार्किकल बट आर नेसेसरली कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटर रिलेटेड। तो ये था निकारागुआ वर्सेस यूएसए, वन इज द आंसर। कब आया था केस ये, 1986 में। फ्रंटियर डिस्प्यूट बुर्किना फासो वर्सेज माली 1986 में। अगेन पुर्तगाल वर्सेज इंडिया राइट टू पैसेज केस 1960, क्या बोलते हैं इसको, राइट टू पैसेज केस। पुर्तगाल आस्क फॉर राइट टू पैसेज इन द मंदीव टेरिटरीज। केस का सनी टेम्पल ऑफ प्रिया विहार कंबोडिया वर्सेज थाईलैंड कब आया था, 1962 में। ओके नेक्स्ट है 41, हु द फॉलोइंग हैज व्यूड दैट देयर इज अ लीगल ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज एनी कम्युनिटी दैट हैज इन फैक्ट रिक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटहुड। लॉटर पैक्ट, टू इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नोटलोम्स केस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनैलिटी देयर Notalom's case of International Court of Justice held that in respect of grant of nationality, there is no obligation of the state if that man has no relationship with the state of naturalization. ये correct है। In famous Ree Lynch case, it was held that person is not a citizen of any state, he will be called stateless. No, this is wrong. इसमें ये case था, can a married woman become a non-citizen of a country if she marries a person of another country? ठीक है, ये है सिटीजनशिप पर। तो नेशनैलिटी इज द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ, ये करेक्ट है। कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस वाज अडॉप्टेड इन 1969, ये गलत हो गया। तो क्या आंसर रहेगा इसका, ए एंड सी, फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 43, अजर्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट एक्सट्रेडिशन फॉर पॉलिटिकल क्राइम इज नॉट अलाउड, ये करेक्ट है। स्टॉक वर्सेज पब्लिक ट्रस्टी इज लीडिंग केस ऑन रिलेटिंग टू नॉन एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, नो इट इज रॉन्ग। स्टॉक वर्सेज पब्लिक ट्रस्टी किस पर है, ये है स्टेटलेसनेस पर। ओके तो ये हो गया, रॉन्ग आंसर क्या रहेगा, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 45, द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ईच मेंबर मे नॉट हैव मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव इन जनरल असेंबली, ये करेक्ट है। चाइना रशिया अमेरिका ब्रिटेन इटली आर द परमानेंट मेंबर्स, इटली नहीं है, फ्रांस है। ठीक है, मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इलेक्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड एवरी ईयर बाय सिक्योरिटी काउंसिल फॉर टर्म ऑफ 5 years, नो दिस इज रॉन्ग। डी है, ऑल मेंबर्स ऑफ नेशन आर इप्सो फैक्टो मेंबर ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कहां मेंशन किया गया, आर्टिकल 93 में। तो आंसर क्या है, ए एंड डी, आर्केट वन इज द आंसर। ये सेम क्वेश्चन, ये सेम स्टेटमेंट पूछी हुई है, जुलाई 2018 का पेपर देख लीजिए, वहां पर सेम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट 46, एडवाइजरी ओपिनियन कैन बी गिवन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन लीगल क्वेश्चन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, बोथ, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 47, अदर्शन है, इन मिथिला ए विडो कैन नॉट अडॉप्ट एट ऑल, नॉट इवन इफ शी हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी ऑफ हर हस्बैंड, ए विडो मे अडॉप्ट अंडर द अथॉरिटी फ्रॉम हर हस्बैंड, ये बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट है, ये वन इज द आंसर। नेक्स्ट 48, इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वी आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सप्रेस एनी डेफिनेट ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन वेदर देयर कैन बी टू करता ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तो ये था मोराका प्रॉपर्टीज वर्सेज बिहाईलाल मोराका, वन इज द आंसर। अब आए थे 1977 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज श्री राम बोरा 1965, नोपानी इन्वेस्टमेंट वर्सेज संतोष सिंह 2007, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स गोविंद राम शुगर मिल 1965। नेक्स्ट है 49, इन विच द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड द डाइवोर्स इज गुड इन लॉ दो बैड इन थियोलॉजी, साराबाई केस, फोर इज द आंसर। केस का पूरा नाम क्या था, साराबाई वर्सेज राबिया बाई। और शमी मारा केस कौन सा है, शमी मारा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। साराबाई केस कब का है, 1905 का। शमी मारा कब का है, ये 2002 का। शाबानो केस 1985, मेंटेनेंस पर है ना, बाई ताहिरा वर्सेज अली हुसैन, कब का केस है, 1979 का। नेक्स्ट 50, इन मुस्लिम लॉ हिजानत रिलेटेड टू कस्टडी ऑफ चाइल्ड, तो मदर्स कस्टडी, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 51, मैच करना है ये,
केसेस को। तो निजामन वर्सेस निजामन किस पर है? क्रूअल्टी पर। डैनियल लतीफी मेंटेनेंस पर, मुस्लिम लॉ मेंटेनेंस के पर है ना ये। हुसैन आरा वर्सेस जुबेदा बेगम, ये है डॉवरी पर। गुजरात वुमेन वर्कर्स एसोसिएशन केस ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जो ये गुजरात वुमेन वर्कर एसोसिएशन केस है, इसका नाम क्या है? अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या बन गया? 4312, 3412 इज द आंसर। नेक्स्ट है 52। दर्शन है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज एन इजी प्रोसेस टू रिपीट द मैरिज अंडर हिंदू लॉ। यस यस इट इज करेक्ट। ऑप्शन प्यूबर्टी इज नॉट एन इजी प्रोसेस टू रिपीट द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या रहेगा? टू। नेक्स्ट 53। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ब्रॉट वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मलिकी स्कूल। फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 54। अ मुस्लिम हस्बैंड हैज ईमेल्ड तलाक लेटर राइटिंग आई डिवोर्स यू आई डिवोर्स यू आई डिवोर्स यू विदाउट सिग्नेचर ऑफ द विटनेस। तलाक विल बी नीदर वैलिड नॉर वॉइड और नो तलाक। नेक्स्ट 55। सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट डिफाइन ह्यूमन राइट मीन्स राइट रिलेटिंग टू लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी। वन इज द आंसर। देखिए सीक्वेंस पूछा है ना, LLED, ये याद रखिएगा, LLED, LLED। नेक्स्ट 56। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में। सेक्शन 3 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन कितने में है? फोर में। फाइव में क्या है? रिमूवल। टर्म ऑफ ऑफिस कितने में? सिक्स में। सेवन में क्या है? मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन सर्टेन टाइम्स, ये सात। ठीक है, तो इसमें तीन हो गए रॉन्ग, एक ठीक है। कौन सा? सिक्स। फोर इज द आंसर। नेक्स्ट है 57। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन ऑफ पोजिशन ऑफ द मेंबर चेयरपर्सन NHRC ऑफ इंडिया। देखिए ये भी पूछ लिया है यहाँ पर, तो ये तीनों ठीक हैं, ये गलत है। फोर इसका आंसर रहेगा। करेक्ट वाला लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है 58। ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन कब अडॉप्ट किया गया था? ये अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 54-4 उसका रहेगा। फोर डिक्लेरेशन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये कब किया गया था? प्रोक्लेमेशन बाय यूएन जनरल असेंबली 1993 की। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 1979। डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इमरजेंसी एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 1974। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1-4-3-2-1। नेक्स्ट 59। अब बताना इसमें इनकरेक्ट। ए है ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ओपन फॉर रेटिफिकेशन एंड असेशन बाई यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। इतना इतना ये ठीक है, 2000 की है ये। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 वाज अडॉप्टेड ऑन 1 जून। 15th नहीं है तो ये हो गया रॉन्ग, बाकी सब ठीक है इसमें। फिर मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 वाज अडॉप्टेड ऑन 16th जून, तो 16 जून को अडॉप्ट किया गया 1973 में, ये भी हो गया गलत। फिर एक कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड वाज अडॉप्टेड एंड ओपन फॉर सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन असेशन बाय यूनाइटेड जनरल काउंसिल लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर सिर्फ ये गलत है इसमें असेंबली, यहाँ कहना चाहिए असेंबली रेजोल्यूशन, बाकी ठीक है। ये हो गया गलत, तो इसमें BCD इनकरेक्ट। इज द आंसर। नेक्स्ट है 60। द डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट इन टू थ्री जनरेशन वॉज इनिशियली प्रपोज इन 1979 बाई वन ऑफ द फॉलोइंग चेक जूरिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट इन स्ट्रासबर्ग। तो ये था चार्ल्स ओली। टू इज द आंसर। नेक्स्ट 61। अरेंज द फॉलोइंग डिसाइडेड ऑन द मेरिट राइट टू हेल्थ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पश्चिम बंगाल खेर मजदूर समिति ये आया था 1996 में। परमानंद कटारा केस 1989 में। सोशल जुडिशियल एनसीडी दिल्ली 2015 में। सहारा हाउस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में। सबसे पहला कौन सा आया? फिर बी। तो बी देखिए दो में है, फिर आया डी। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे जो ऑप्शन हैं वो गलत लग रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इसमें बनेगा बी, पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर सी। तो देखिए इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बी ए डी सी, देखिए यहाँ पर बी डी सी ए है और ये है, तो इसमें बनना चाहिए बी ए डी सी।
अगर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगाएं तो बी ए सी डी बन सकता है अगर ये 1997 कोई केस हो तो, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी सोशल जुरिस्प्रूडेंस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो कि 1997 में आया हो। अगर आपको कुछ पता लगे इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 62, अब बताना है करेक्ट विद रिगार्ड टू एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल ले डाउन इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है इसमें? द प्रिंसिपल वाज अप्रूव्ड एक्सेप्ट द क्वांटम ऑफ डैमेज इन चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस इट इज करेक्ट। द प्रिंसिपल इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन वाज अप्लाइड इन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यस। द कंपनसेशन टू बी अवार्डेड मस्ट बी सम ब्रॉड कोरिलेशन नॉट ओनली विद द मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज बट ऑल्सो विद द हार्म कॉज्ड बाय इट was held in Deepak Nitrate versus State of Gujarat. This is correct. So the principle is not followed in India because Parliament could not pass yet Public Liability Insurance Bill. No, it was passed in 1991 Bill. No, it was followed, but this Public Insurance Liability Act was also passed. तो अब क्या है Public Liability Insurance Act 1991? इसका आंसर क्या रहेगा? A, B, C are correct. D incorrect है. 3 इसका आंसर रहेगा. Next 63. अब बताना कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो डिफॉर्मेशन पब्लिशन परमानेंट फॉर्म स्लेंडर नो इज लीबल। लीबल रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस एंड इन इंग्लैंड। यस इट इज करेक्ट। ट्रूथ ऑफ डिफॉर्मेटरी मैटर इज नो डिफेंस विल लॉ नो। एक्शन लाइज फॉर डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट एब्सोल्यूट प्रिविलेज नो। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2। नेक्स्ट 64 अदर्शन है द एक्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर इज एसेंशियल बिफोर अ पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल इन नेग्लिजेंस। इट इज करेक्ट। The standard of care required is not a matter of law and does vary according to individual, although it does not vary according to circumstances. It varies according to circumstances. So R ho gaya wrong, A is correct, 3 is the answer. Next 65, match karna hai ab. Burden of proof, one nuisance is proved by defendant. Remedy for private nuisance, abatement. Right to action for nuisance of a temporary nature. Occupier right to commit private nuisance may be acquired by prescription. तो आंसर क्या रहेगा? 4, 3, 2, 1. 4 is the answer. Next 66. Assertion according to the law of tort, every wrongful act for which there is no justification or excuse to be treated as a tort. This is correct. Pigeonhole theory was propounded by Salmon. Yes, correct. But क्या इसकी explanation बनी? No. Both are correct हैं तो 2 इसका आंसर रहेगा. Not correct explanation. Next 67, the provision of Consumer Protection Act shall be in addition and not in derogation. 4 is the answer. अब कौन सा एक्ट आ गया है? Consumer Protection Act 2019 का. Next 68, Section 19A of Consumer Protection Act provides that state and national commission shall hear expeditiously as possible. तो ordinary grant no adjournment unless sufficient cause is correct. Impose cost on adjournment, yes. Record the reason for delay, yes. Dispose the appeal ex parte, no. इसके लिए नहीं बोला गया है. A, B, C are correct. But अभी section जो 29 के according है change हो गया है. ये section पूछ रहे हैं 1986 के according. ठीक है, अब क्या आ गया है 2019 का. तो इसमें section कौन सा है? इसमें section है 52. पर चीजें बिल्कुल इसमें सेम है. Next 69 assertion है Where a bill is unintentionally cancelled by the holder or his agent, the cancellation is not apparent thereon. The bill is discharged. No, it is wrong. Above principle laid down is 82. No, it is wrong. Both are wrong. One is the answer. Next 70 match करना है. Partnership not created by status, but by contract. कौन सा केस है ये? राकेश कुमार दिनेश कुमार versus यूजी होटल्स. Essential of partnership. CST versus K Kelukutti. Joint Hindu family and partnership, Ganpat versus Annaji. Partnership between outsider and joint family, Kshetra Mohan versus Commission of Excess Profit Tax. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 3, 1, 4, 2. Next 71. अब duties of partner section बताने हैं. Duty of absolute good faith. Section कौन सा है ये? 9. देखिए A का जो 4 है, एक दो में है, तो ये वाले cancel हो गए. Duty not to compete. 16B. ये भी सेम है. ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस 12 एंड 13. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड सेक्शन 10. तो क्या बन गया इसका? 2, 4, 1, 2, 3. नेक्स्ट 72 सेक्शन है गुड्स मीन्स एवरी काइंड मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एक्सक्लूड स्टॉक्स शेयर ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास थिंग्स अटैच टू अर्थ और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. तो इसमें देखिए
इसमें है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ठीक है ना। तो ये हो गया गलत। अब अबव प्रिंसिपल लिखा है तो लेट डाउन इन 2000, तो ये भी गलत हो गया, बोथ आर रॉन्ग हो गए। 2 इज द आंसर। अदरवाइज गुड्स की डेफिनेशन तो 2.7 में दी हुई है। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 74, डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी। कौन से केस में बोला गया था ये? फर्गुसन में, एलिंगटन में, हैम्पशायर में, एलन में, सब में बोला गया था। तो 4 इज द आंसर, ए बी सी डी ऑल। नेक्स्ट 75, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस। इट इज अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। 4 इज द आंसर। कब आया था केस? 1880 में। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेज टर्कवेंड, 1856। देखिए ये तो हर पेपर में पूछा गया है, ये 2018 के दोनों पेपर देखेंगे आपको वहां पर मिल जाएगा ये केस। ये किस पर है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूजीसी नेट नवंबर 2017 का पेपर 3 पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू शेयर योर नॉलेज एंड वांट टू कमेंट ऑन एनी क्वेश्चन एंड वांट टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम, वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।